हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा गए थे और वहां से इस खूबसूरत गुरुद्वारा के आपको दर्शन भी करवाए थे। तो मुझे उम्मीद है आपने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो सारे वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, रोड टू लद्दाख का आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी वापस से हम आ गए दोस्तों लेह टाउन में, और अभी 11:10 हुए हैं। और आज का हमारा जो प्लान है ये लेह से खारदुंगला पास और डिस्कित होते हुए नुब्रा जाने का है। और खारदुंगला पास जाने के लिए दोस्तों सामने की तरफ जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहीं पर हमें जाना होगा। तो चलिए चढ़ते हैं पहाड़ पर। और जैसे ही दोस्तों आप पहाड़ पर आ जाते हो, आपके रास्ते में सबसे पहले यहाँ पर एक HP का पेट्रोल पम्प आ जाएगा। तो यदि आप नीचे से पेट्रोल भराना भूल भी गए हो तो यहाँ से आप अपना टैंक फुल करवा सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हम इस रास्ते पर आगे बढ़े तो वहीं हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे एक माइलस्टोन पे, जहाँ पे खारदुंगला की दूरी बताई जा रही थी 34 किलोमीटर और साउथ पुल्लू था 20 किलोमीटर। तो अभी सबसे पहले हमें साउथ पुल्लू पहुँचना है। और जैसे हम आगे बढ़े दोस्तों, हमने देखा कि नीचे की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू था। ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई स्मारक बन रहा है। तो हो सकता है शायद आने वाले भविष्य में जब भी हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट देखने मिल जाए। खारदुंगला पास की तरफ जाने वाला रास्ता दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से आपको ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको जो नीचे के नज़ारे ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो आप भी हमारे साथ में इस सुहाने सफ़र का आनंद उठाइए। इन खूबसूरत और घुमावदार रास्तों का आनंद उठाते हुए जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े जा रहे थे कि तभी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो हमने भी जब उतर के देखा तो पता चला कि एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप इस लेह सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। तो हमने अभी हमारी गाड़ी वहीं पर रोक दी, और यहाँ पर इस तरह से एक फूड ट्रक भी था लेकिन जो फिलहाल बंद था। और यहाँ पर इस तरह से एक फ्रेम बनाई गई है जिससे होते हुए आप इस खूबसूरत लेह सिटी को देख सकते हो। वाकई में दोस्तों यहाँ से जो नज़ारा था ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो आप भी एंजॉय कीजिए दोस्तों यहाँ के इस 360 डिग्री व्यू को। और वहीं जब मैं इन खूबसूरत नज़ारों को आनंद ले रहा था तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पीछे देखा तो यहाँ पर महिंद्रा थार आ गई थी, जो कि 5 डोर वाला मॉडल था जो अभी लॉन्च होने वाला है, और उसकी टेस्टिंग चल रही थी। और यही है दोस्तों ये खूबसूरत व्यू पॉइंट जहाँ से आपको ये लेह सिटी दिखाई देती है। तो आप भी जब इस रास्ते पर हो तो यहाँ पर रुक कर ज़रूर फोटोग्राफी कीजिएगा। दोस्तों ये जो नज़ारे हैं जितने खूबसूरत है उतने ही ख़तरनाक भी है, और जो सड़क है ये काफ़ी नैरो है, मतलब दो व्हीकल मुश्किल से पास हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो गाड़ी है ये बहुत ही सावधानी से चलानी है। सामने से जब भी कोई गाड़ी आ जाए तो आप हमेशा साइड में हो जाइए, इसी में समझदारी है। और अभी काफ़ी समय हो गया था और हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर इस बोर्ड पर जिसपे लिखा था साउथ पुल्लू 1 किलोमीटर, मतलब अभी ऑलमोस्ट हमने 19 किलोमीटर तय कर लिए थे। और यहाँ पर आपको सामने की तरफ एक छोटा सा सेटलमेंट जैसा दिख रहा होगा, वही है साउथ पुल्लू। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने व्हीकल की और आपकी जो डिटेल्स है वो रजिस्टर करवानी होती है, और यदि आपसे मांगा जाए तो आपका परमिट भी दिखाना होता है। तो अभी 12:10 हुए हैं और हम पहुँच चुके हैं साउथ पुल्लू में। और आपको मेरे राइट साइड में एक छोटा सा बिल्डिंग जैसा दिख रहा होगा, वहीं पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स लिखानी होती है। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर दीजिएगा और वहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स रजिस्टर करवा दीजिए। तो दोस्तों अभी हमने साउथ कुल्लू में, और यहाँ पर पीछे चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का नाम फोन नंबर एंट्री करवाना होता है। तो एंट्री हो गया है, तो चलिए अपना सफर जारी रखते हैं खंडोला खारदुंगला के लिए। तो दोस्तों अभी हम ना साउथ पुल्लू से ऊपर जा रहे हैं खारदुंगला की तरफ, और अभी यहाँ पे एलिवेशन है 15,335,
और अभी देखते हैं ऊपर क्या माहौल है। ये सोचकर आए थे कि बर्फ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब साफ है। हालांकि सामने पहाड़ों पे बर्फ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बर्फ नहीं है। तो चलिए जो भी है नज़ारा है आपको दिखाते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम इस रास्तों पर आगे बढ़े जा रहे थे तो मैंने एक बात नोटिस की कि इस समय बाइकर्स कई सारे थे। हालांकि राइडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीज़न डिले हो गया था क्योंकि मनाली में जो फ्लड्स आ गए थे उस वजह से ये सीज़न लेट होने लगा था। लेकिन इन बाइकर्स को देख के दोस्तों मुझे अपनी पिछले साल की स्पीति राइड की याद आ गई कि किस तरह से मैं भी इस तरह से बाइक पर निकल पड़ा था। हालांकि इस बार भी मैं बाइक पर ही आने वाला था, लेकिन अल्पेश भाई के साथ जो हमारा प्रोग्राम है ये कैंपिंग वाली ट्रिप का बन गया, तो उस वजह से मैं कार पे आया हूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने मेरा स्पीति राइड वाला वीडियो भी ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको डे टू डे आइटनरी बताई हुई है। तो ये सारे वीडियो दोस्तों चेकआउट कीजिएगा, मेरी पूरी स्पीति राइड की प्लेलिस्ट है जिससे आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उसे आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। सचमुच दोस्तों यहाँ के जो रास्ते ये बहुत ही खूबसूरत है और आपको यहाँ पर एक बार तो लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। और जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे और वहीं पर हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर इस बोर्ड पर जहाँ पे लिखा था प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि ये जो खूबसूरती है उसकी भी एक भारी कीमत होती है अगर आप ढंग से गाड़ी ना चलाओ तो इस तरह से यहाँ पर एक रिमाइंडर दिया हुआ है। और वहीं दोस्तों एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा, यहाँ से आप इन घुमावदार रास्तों को और इन नज़ारों को देख सकते हो। और वहाँ पर दूर पीछे की तरफ आपको दोस्तों कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, वही ले सिटी है जहाँ से होते हुए अभी हम आए हैं और ये रास्ता है जहाँ पर अभी हमें आगे जाना है। तो चलिए अपना सफ़र जारी रखते हैं। जैसे जैसे हम और ऊंचाई पे जा रहे थे तो रास्ते और भी ख़तरनाक होते जा रहे थे और आप देख सकते हो कि रास्ते के दोनों तरफ कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। इन रास्तों पर दोस्तों लैंडस्लाइड होना बहुत ही आम बात होता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही चौकन्ना रह के अपनी गाड़ी चलानी होती है। और जैसे ही दोस्तों हम कुछ आगे आए तो हमारे सामने कुछ फ्लैग्स लहरा रहे थे जिन्हें देखकर हम समझ गए कि हम पहुंच गए दोस्तों खारदुंगला पास। और अभी दोपहर के 12:45 हुए थे और हमने हमारी जो चढ़ाई थी वो 11:10 को शुरू की थी, तो करीबन 1:35 में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे दोस्तों। तो फाइनली मेरा पहला गोल अचीव हो गया है खारदुंगला पास का। दोस्तों फाइनली आज मोस्ट अवेटेड ड्रीम पूरा हो रहा है, खारदुंगला टॉप का। ये जो आप देख रहे हो ये खारदुंगला टॉप है और यही वो पॉइंट है जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, बाइकर्स लाइन लगा के फ़ोटो खींचते हैं द माइटी खारदुंगला। हालांकि राइट नाउ दिस इज़ नॉट द हाईएस्ट पास, इसका अल्टीट्यूड हो गया अभी 17,982 फीट्स। और यहाँ पर मिलिट्री का भी कैंप है और यहाँ पर काफ़ी सारे अभी पॉइंट्स बन गए क्योंकि सीज़न में काफ़ी सारे लोग आते हैं। और अभी वहाँ पर कहीं पे थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दे रही है, वरना तो ये पूरा जो टॉप है ये पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ होता है, ज़रा सी बर्फ़ है सिर्फ यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मुझे यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा होगा, हालांकि कई लोगों के लिए कोई ख़ास बात नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। और ये देखिए दोस्तों सामने बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज है, ऊपर स्नो के माउंटेन्स है। तो दोस्तों ये है नज़ारा खारदुंगला टॉप का और वहाँ पे सामने की तरफ मिलिट्री की कुछ ऑफिस भी बनी हुई है जहाँ पर टूरिस्ट को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ब्रीदिंग से रिलेटेड तो ऑक्सीजन भी दिया जाता है। वो ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और अगर AMS का आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको टिप दिया हुआ है कि फ्लूड अच्छे से पीजिए, पानी पीजिए और थोड़ी सी निकलने से पहले योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा होगा। अभी तक हमें कोई भी जगह पे कोई इशू हुआ नहीं है
और उम्मीद है आगे भी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर इस तरह के कई सारे व्यू पॉइंट और सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, तो टूरिस्टों को मद्देनज़र रखते हुए अभी यहाँ पर कई सारा डेवलपमेंट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक बोर्ड भी लगा हुआ है, व्यू पॉइंट खारदुंगला। और यहाँ पर अपना यादगिरी छोड़ते हैं, कभी भी नेक्स्ट टाइम आएंगे अगर स्टिकर दिखा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ से। और एक टिप है आपके लिए कि कभी भी जब भी हाई अल्टीट्यूड एरिया पे हो तो वहाँ पे 10-15 मिनट से ज़्यादा ना रुके, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। ओह माय गॉड दोस्तों, फाइनली एक जो एक टाइम का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पास था वो हम लोग ने अचीव कर लिया है। हालांकि अभी ये काफ़ी मतलब 17,800 फीट बता रहे, एक टाइम पे ये 18,000 कुछ 800 फीट पे हुआ करता था, लेकिन अभी इसका एल्टीट्यूड पता नहीं क्यों कम हो गया है, शायद सिंक हो गया होगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिगर्स क्योंकि अभी क्या उमलिंगला जो आई एस पास है 19,024 फीट पे, और इस ट्रिप पे हम लोग वो पास भी कवर करने वाले हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो स्पिरिट होता है लोगों का वो देखते ही बनता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया जीत गया, इसीलिए लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसे, जो कहीं नहीं जा सकते वो एटलीस्ट, क्योंकि रोड्स अच्छे बन गए, कहीं कहीं पे खाली थोड़े से पैचेस है जो खराब है, बाकी रोड काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी हम यहाँ से उतर के जा रहे हैं, अभी हमारा जर्नी आगे की ओर शुरू हो चुका है डोगरा वैली की तरफ। तो सबसे पहले खालसर आएगा, उसके बाद में डिस्किट आएगा, तो डिस्किट मॉनेस्ट्री पहले आपको दिखाएंगे। तो जो भी रास्ते के अपडेट्स हैं सारे आपको मिलते रहेंगे इसमें, तो बने रहिए। और जैसे हम नीचे की तरफ उतरे थे दोस्तों, तो रास्ते में इस तरह के कहीं कहीं पे स्नो पैचेस थे, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना रुक के थोड़ा सा स्नो को फील किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर रास्ते में थोड़ी सी स्नो रह गई है, मेरा हर बार का एक सपना था कि मैं स्नो को अपने हाथ से टच करूँ, अभी तक कभी तक मैंने स्नो को टच नहीं किया है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम टचिंग द स्नो। हाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब तक मैं जहाँ भी गया हूँ ना, कहीं भी मुझे इसे स्नो को अपने हाथों में लेने का मौका नहीं मिला है। हालांकि जब भी अल्पेश भाई बोल रहे पिछली बार आए तो ये पूरा स्नो था, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्नो को टच करके। ये खाली एक डेमो है, सैंपल है हमारे लिए स्नो का, तो वो भी अच्छा लग रहा है। ठंडा लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यूज़ है ना दोस्तों, मतलब ये आपको यहीं पे आके एंजॉय करना चाहिए। ये माउंटेन देखिए दोस्तों, हिमालयन माउंटेन रेंज अपने आप ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो आप नीचे छोटा सा एरिया देख रहे हो वो नॉर्थ कुल्लू है, क्योंकि साउथ कुल्लू से हम लोग ऊपर आए और अभी नीचे नॉर्थ कुल्लू जाएंगे हम लोग, तो काफ़ी मज़ा रहेगा दोस्तों, उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या एटलीस्ट लाइक कर दीजिए। चलिए जर्नी चालू करते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों हम नीचे उतर रहे थे तो और भी कई सारे छोटे छोटे आइस पैचेस थे, और हमने देखा कि यहाँ पर और भी टूरिस्ट रुक कर स्नो का आनंद ले रहे थे, क्योंकि जो भी हमारे जैसे ग्राउंड एरिया से आते हैं, जैसे कि मतलब हम लोग बॉम्बे से गुजरात से, तो वहाँ के लोगों के लिए स्नो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नॉर्थ में बहुत कॉमन चीज़ है, तो हर किसी का बच्चा बाहर आ जाता है स्नो को देख कर। और वहाँ से आगे बढ़ने पर दोस्तों हमने फिर से एक ब्रेक लिया था पानी भरने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कई सारे ऐसे पानी के पाइप्स दिख जाएंगे जहाँ से लोग पानी भरते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब से हमने हिमाचल में एंट्री किया है तब से हमने एक भी रुपया पानी पे खर्चा नहीं किया है। इसी तरह से आपको जो रोड साइड में पानी के स्ट्रीम्स देखने मिलते हैं वहीं से आप पानी पी सकते हो, ये बहुत ही प्योर और टेस्टी माउंटेन वाटर होता है, तो ज़्यादातर मैं यहाँ का यही लोकल पानी प्रीफर करता हूँ। और पहले से हमारी हैबिट है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ का लोकल पानी ही पीते हैं,
पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैं अवॉइड ही करता हूँ, और यहाँ पर हिमाचल और इन माउंटेन एरिया में तो ये सबसे बड़ा वरदान है कि आपको इस तरह के माउंटेन स्ट्रीम्स हर जगह पे देखने मिल जाते हैं। तो आपका क्या मानना है दोस्तों इस बारे में, और आप में से कितने लोग ये पानी पीना पसंद करते हैं या तो पीते हैं? कार्दुंगला से जब आप नीचे की तरफ उतरते हो तो यहाँ पर भी रास्ता अच्छे से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको ड्राइव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और वहीं कुछ नीचे उतरने पर हमें सामने की तरफ कुछ मोबाइल टावर और एक सेटलमेंट जैसा दिखाई दिया, और हम समझ गए कि हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू। तो अभी करीबन 1:30 हुए थे और हम आ गए थे नॉर्थ कुल्लू में, और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको कई जगहों पर मिलिट्री का सेटलमेंट भी नज़र आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे होटल्स और ढाबे भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर कुछ देर रुक के अपना दोपहर का लंच भी कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जैसे कि हमने साउथ कुल्लू में करवाया था, तो यहाँ पर भी हम अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। और यह है दोस्तों यहाँ का चेक पोस्ट, जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की सबकी एंट्री करवानी होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर कोई है नहीं, तो कुछ देर रुकते हैं और अगर नहीं आया तो फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी देर तक वैसे तो हम रुके थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई आया नहीं, तो आखिर में फिर हम वहाँ से निकल गए। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और आज का आसमान और ये क्लाउड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें चार चांद लगा रहे हैं। और वहीं कुछ ही देर में दोस्तों अभी हम नीचे की तरफ भी पहुँचने वाले थे, और वहाँ से कुछ आगे बढ़े दोस्तों तो हमने देखा तो हमारे सामने की तरफ कुछ ग्रीनरी थी, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव जैसा कुछ लग रहा था। तो जैसे ही हमने एंट्री की तो हमें पता चला कि ये जो गांव है इसका नाम खारदुंग विलेज है, और इसी के नाम से इस पास का नाम खारदुंगला रखा गया है, क्योंकि मोस्टली इसी तरह होता है कि जो आसपास का विलेज होता है उसी के नाम से इन पासिस का नाम रखा जाता है। तो ये भी एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पर भी हमने देखा तो कई सारे छोटे छोटे घर थे और होटल्स भी थे, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक के कुछ देर आराम कर सकते हो। वैसे 80-90% तो रास्ता पूरा अच्छा है, बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा इस तरह से रोड वाइंडिंग का काम चालू है, तो उस वजह से शायद हो सकता है आपको कहीं कहीं पे थोड़ी सी परेशानी हो। बाकी तो जैसे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे पूरा ब्लैक टॉप रोड है। और दोस्तों वहीं से कुछ आगे हम और एक जगह पर रुक गए थे, अगर यहाँ पर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि सामने की तरफ भी आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो ऑफिशियली दोस्तों अभी हम नुब्रा वैली में आ गए हैं, और ये जो सामने आपको रिवर दिख रही है यहाँ पे श्योक रिवर है, और अभी 2:40 हुए हैं। तो अभी हम जहाँ पे रुके हैं ये नुब्रा वैली का व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से आपको ये नुब्रा वैली बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। देखिए दोस्तों ये है पूरा यहाँ का 360 डिग्री व्यू, और वहीं जब हम इस खूबसूरत व्यू का आनंद उठा रहे थे तो एक क्यूट सा डॉगी हमारे पास में आ गया था, और वहीं जब मैं इसको सहला रहा था तो अल्पेश भाई ने भी मेरा एक वीडियो बना लिया था। बड़ा क्यूट डॉगी है। तो डॉगी सब इतने क्यूट होते हैं ना। और फिर जब हम वहाँ से जा रहे थे तो हमें जाने नहीं दे रहा था, पीछे पीछे आ रहा था, हालांकि हमें भी उसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही क्यूट था ये, लेकिन फिर क्या करें दोस्तों इनको साथ में तो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो डॉगी होते हैं दोस्तों ये यहाँ के परिवेश के हिसाब से ढल चुके होते हैं, और हमारा जो वेदर है वो इनको सूट भी नहीं होगा। तो आखिर में काफ़ी भारी मन से इसको अलविदा कह दिया और हम वहाँ से आगे की ओर बढ़ चले। और वही दोस्तों अभी ये जो रास्ता है ये नीचे वैली की तरफ जाने वाला है, तो अभी हम पहुँच जाएंगे नीचे नुब्रा वैली में। तो जैसे ही दोस्तों नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर भी एक गांव था, और ये जो गांव है इसका नाम खालसर है, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे होटल्स और होमस्टे मिल जाएंगे। तो ये आपको रास्ते में मैं इसके लिए बताते रहता हूँ कि अगर आप कभी भी कहीं ऐसे टाइम पे पहुँचते हो जहाँ पे आपको अगर लेट हो गया हो तो आप इन जगहों पर अपना प्लानिंग करके आ सकते हो कि अगर रुकने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, खाने की व्यवस्था कहाँ पर है। वैसे तो ये जो पूरा रास्ता है दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी आपको रुकने और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब तक के सफ़र में मैंने दोस्तों ये बात देखी है कि कितनी भी रिमोट लोकेशन क्यों ना हो लेकिन आपको वहाँ पे कोई ना कोई ढाबा छोटा सा या टेंट या कुछ भी रात गुजारने के लिए जगह आपको मिल ही जाएगी।
और खालसर विलेज क्रॉस करके जैसे ही दोस्तों आप कुछ आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको अपने लेफ्ट साइड में इस तरह से स्तूपा नज़र आ जाएंगे और यहाँ पर भी कई सारे होटल्स हैं और साथ ही साथ आगे की तरफ यहाँ पे एक ब्रिज है जो श्योक रिवर पे बना हुआ है और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। तो ये वो रास्ता है दोस्तों जहाँ से अभी हम आए हैं और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए तो ये 3 बजे है और जैसे आप देख सकते हो धूप बहुत ही तेज़ है और सीधा जो रास्ता है ये खालसर ब्रिज की तरफ जाता है और यहाँ पर आपको होटल्स मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे और सामने की तरफ दोस्तों आपको एक पेट्रोल पम्प भी दिखाई दे रहा होगा और वहीं से जो रास्ता है आगे हुंदर की तरफ भी जाता है और जो सीधा रास्ता है दोस्तों ये आपको सियाचिन लेके जाएगा या जिसे आप पनामिक भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से ही होके घूम के जाना होता है। तो अभी हम कल वहाँ पे जाने वाले हैं लेकिन आज अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं यहाँ से हुंदर, तो उसमें पहले हम जाएँगे यहाँ से दिस्कित और उसके बाद जाएँगे हुंदर। तो ये सारा जो रास्ता है ये आपको अभी हमारे आने वाले वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ऐसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे साथ में रोड टू लद्दाख की सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा और यदि मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने अभिप्राय भी हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।